24 नवंबर के नोनी के नोनी देखना काबर के एंडिंग मा मैं धमाल मचाए हूं। नोनी के अनहोनी अड़बड़ कॉमेडी पिक्चर। जिंदगी में कोनो आदमी के टेंशन के कमी नहीं है, पर हे करके हंसना ना अब्बड़ जरूरी है। नोनी के अनहोनी में अभी तक क्या इसने मोर करदार पब्लिक हानी देखे है संगवारी। वो 24 नवंबर के आपके नजदीकी सिनेमा घर में आवा थे नोनी के अनहोनी पिक्चर। हमारे साथ मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री मन है, जेखर से बातचीत करवो ने पिक्चर के बारे में का कुछ खास है, का कुछ स्पेशल है। नोनी के अनहोनी की स्टार कास्टिंग में है एवरग्रीन विशाल सर है और निखिल चौहान है। दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्कार। नमस्कार निकृति मैम, आप मन के मूवी आवा थे कितना ज्यादा एक्साइटेड फील करा था? सबसे पहले आप मन ला धन्यवाद और जिंदा मतलब जय जोहार, नमस्कार। और बहुत ज़्यादा हर पिक्चर के लिए जितना एक्साइटेड रहता हूँ, लेकिन ये ट्रिप, ये जो मूवी है ट्रिप बेस्ड मूवी है, एक हर बार थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काबर तक अभी तक के मैं ऐसे स्टोरी में काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हर बार नवा नवा पिक्चर रहते हैं, हर बार नवा नवा एक्साइटमेंट। और मोर दूसरा पिक्चर है नोनी के अनहोनी और अतका बड़े हीरोइन छत्तीसगढ़ी सिनेमा के, तो एक्साइटमेंट तो मोर दो गुना हुआ है। ये रोड ट्रिप पे बेस्ड पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है और भरपूर कॉमेडी भरपूर ड्रामा से रिलेटेड है। अच्छा, मूवी के शूटिंग कितना दिन में खत्म हो गई, एक्सपीरियंस कैसे रही से मूवी? एला ये बताएं। मूवी 17 से 18 दिन में खत्म हो गई से। एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रही से। मैं तो नवा नवा रहे हूँ, तो नवा नवा बोलते जरूर, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है ये। हाँ, एक्टिंग के नाम पे तो हम क्या बताएं। अच्छा, बहुत सारा करेक्टर में अपन काम करे है, और कोई करेक्टर जो बचे हैं अपन जे में काम करना चाह ऑफर आ जाता? हाँ, लाइक मुला एकदम फीमेल बेस्ड पिक्चर करे के बहुत मन है। जैसे अभी तक के चला था कि हीरो के साथ ही पिक्चर चलते, एक बारी छत्तीसगढ़ में मोला भी करके दिखाना है कि हीरोइन भी अकेले पिक्चर चला सकत है। अच्छा, नोनी के अनहोनी पिक्चर में का स्पेशल है आप मन के का रोल है? नोनी के अनहोनी में स्पेशल बस ये है कि अभी तक क्या इसने मोर करदार पब्लिक हानी देखे है, और अभी तक क्या कुछ कुछ वर्ड है मैं जो पिक्चर में नहीं बोले हूँ, लाइक फट्टू। अच्छा, ए हरे किरदार के लिए कितना अपन प्रिपेयर कर रहे हो इसे? किरदार के लिए तो ऐसे मोला मतलब सर वन लाइन बताए रही से कि आप मन के फन लविंग गर्ल है, और मतलब लाइक आपला मतलब ना आप जो दिल में सोचते हो ना वाला फट से बोल देते हो, ऐसे ही नहीं कि एला बोल दूँ तो वो का सोची, मतलब वो ज़्यादा सोचे नहीं बोले पहली, तो वही हमर मन के कहानी है। थोड़ा हमर करेक्टर ला समझना है तो मूवी जाए ला पढ़ी। छत्तीसगढ़ी जनता ले मोर अनुरोध है कि पहली रोड ट्रिप पे बनी पिक्चर हवे, और पूरा पिक्चर गाड़ी में घूम गए है। फूलमती हमर गाड़ी के नाम है, वैन है, मारुति वैन, नीले कलर का उमा उखर नाव फूलमती। फूल बने फूलमती बोला था तो पीढ़ी रही थे आप मन छोटों के साथ माया, बड़े के साथ स्नेह और बराबर वाले के साथ रिस्पेक्ट। तो हर पीढ़ी के कहानी आप मन लाए मैं देखे पर मेरी, मतलब एक फादर के कहानी, एक आम आदमी के कहानी, एक यंगस्टर के कहानी। मोला लगते ये पिक्चर ला देख के हर एज ग्रुप के आदमी मन पिक्चर ला इंजॉय कर सके थे, और एक पारिवारिक धमाकेदार कॉमेडी फिल्म रही। जब से आपने इंटरव्यू लो देखा था कौन कती न कती हंसे देते, मतलब ठहाका लगा के 2023 में हंसना है बिना चिंता। अच्छा। चिंता इंता सब छोड़ के तो पिक्चर ला देखना चाहिए मोला ऐसे लगता। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में और का कुछ बदलाव देखना चाहता आने वाले दौर में? बदलाव के बात करो तो नो डाउट टेक्निकल वे में हमारी इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है। आगे बाहर से हमारे टेक्नीशियन लाइक मुंबई से आ रहे थे कैमरामैन, या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ बदलाव अगर मैं देखना चाहूँ तो थोड़ा चीज़ जो यहाँ पे है, यहाँ के सोच पब्लिक ना नवा स्टोरी ला एक्सेप्ट नहीं करे, मतलब यहाँ के कुछ पब्लिक ला मतलब वही फैमिलियर मूवी ही चाहिए, लेकिन कुछ ला चेंजेस चाहिए। तो वही हमर उमर देशमुख जी प्रोड्यूसर साहब हाँ कुछ नवा स्टोरी में काम करी, जेला राहुल सर राइटर है हमर, उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से वहाँ लिखी से। तो मुला लगता है कि जो अर्बन पब्लिक है कहीं ना कहीं वो पिक्चर ले बहुत कनेक्ट हुई, और जो जेन देसी कॉमेडी जो चलते ओखर ले थोड़ा डिफरेंट मॉडर्न कॉमेडी हमन लेके आए हैं, जेन मतलब गांव गाँव में बहुत चली है और पब्लिक प्यार दी है। अच्छा, अगर आप मन के हम एक्टिंग सफ़र के बारे में बात करूँ तो कैसे टाइप में शुरुआत हुई, थोड़ा छोटा सा जर्नी अपन बताना चाहा? एकदम छोटा सा बताता हूँ, 4 साल के रहे हूँ तब पहली एल्बम करे रहे हूँ, फिर 10 साल के उम्र तक के मैं 300 साढ़े 300 भक्ति सॉन्ग कर रहे हूँ,
फिर 2015 में मोला पहली पिक्चर मिली और 2015 से अभी तक के 25-30 मूवी काट चुके हैं। और जर्नी क्लास 3 से चालू हो रही से मैं एक सरपंच के करेक्टर कर रहा हूँ, उखर बाद कॉलेज में कल्चरल हेड बने। जैसे कि हम नोनी के अनहोनी पिक्चर के बारे में बात करें तो पिक्चर तो बहुत मुश्किल बन थे, आप मन जान था अपन शूटिंग स्पॉट में था, कितना मुश्किल रहे थे पिक्चर बनाना, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर अभिनय जाना सब कुछ कितना मुश्किल रहे थे अपन नज़दीक से देखे। मुल्ला के शुरुआती तौर मुश्किल रहे थे जेमा अपन ला साठ गांठ करे पर मिलते, एक एक्टर डायरेक्टर ले टकरा थे, एक डायरेक्टर राइटर ले टकरा थे, एक राइटर प्रोड्यूसर ले टकरा थे, प्रोड्यूसर फाइनेंसर ले टकरा थे, ऐसे साठ गांठ के हायरार्की मेंटेन होते, एक के बाद सब एक दूसरे ले टकराते और एक टीम बन जाते, उखर बाद काम आसान हो जाते। हाँ, मेहनत के बाद आप मन बोला तो दिन रात इमोशन अलग अलग तरीके के 2.5 घंटे के पीरियड में पूरा जिंदगी दिखाना कोनो चीज़ के, मतलब जब आप थिएटर ले बाहर रहा तो आप मन पता चली अरे यार ये तो मोरिज कहानी है, मतलब एक आदमी के पूरी जिंदगी की कहानी 2.5 घंटे में दिखाना के कतका मेहनत लगत हुई अपन अंदाज़ा लगा सका था। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये रही थी कि जब करेक्टर के बारे में हमन ला बताया जाते रहते हैं, जब डायरेक्टर साहब बताते कि ऐसा करेक्टर है आकाश, ऐसे करेक्टर है आरती, तो जो जनतो जहत ओला पकड़े के वो करेक्टर के बॉडी लैंग्वेज जो भी रही थे ओला पकड़े के जो चलत रही थे, तो उमाना एक एक्टर ना डर थे शायद रात में नींद तक नहीं आए कि मोर डायरेक्टर साहब क्या मान ले है मोला आकाश के मैं वो करेक्टर ला ठीक ठाक निभा पाता हूँ कि नहीं, तो ये सब जनतो जहत मेन रही थे। बाकी पब्लिक तक जब चीज़ पहुँचते तो पूरा मसाला बन के अच्छे से एडिट वेडिट होके पहुँचते, ओकर पीछे की मेहनत आपन नहीं जाना। जैसे आपन देखे हुआ बड़े बहुत भारी शो रही थे जहाँ आप टिकट खरीद के जाता, एक आदमी ऐसे प्लेट ला हवा में उछालत रही थे भयंकर सारे प्लेट ला, पर पीछे स्टेज में कतका करोड़ों प्लेट टूटे है आदमी मन ला अंदाजा नहीं रहे, पर आप मन देखा रही था एकदम फाइन प्लेट उड़ा थे हवा में, तो ओकर पीछे मेहनत रही थे। कोई भी काम ला उमदा करे के पहली ना आप मन ला अपन आप ला गलाए बर पड़ते, जलाए बर पड़ते, अब अड़बड़ मेहनत करे बर पड़ते, तो इमा मेहनत तो लगते बहुत ज़्यादा मेहनत लगते। नया डायरेक्टर और राइटर मन से आप मन काम करें अनुभव कैसे रही, शेखर बारे में कुछ बताना चाहते? बहुत अच्छा अनुभव है, जैसे कि मैं बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर मन संग काम कर रही हूँ, सतीश जैन जी, उत्तम तिवारी जी और भी डायरेक्टर है, सबके साथ काम कर चुकी हूँ मोर 7 साल के जो एज अ हीरोइन वाले जर्नी है। लेकिन गौरव रत्नाकर जी और जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बहुत फ्रीडम दी से हमला, मतलब ऐसे बांध के नहीं रखी सके ये बस यहीं तक करना है, वो आप मतलब एक करेक्टर दे है बोला बता दे है कि आपला इतना डायलॉग बोलना है, अब फ्रीडली आपला जैसे एक्ट करना है आप मन करो, तो बहुत अच्छा लगी और सर से बहुत कुछ सीखेला मिले। डायरेक्टर और राइटर के बारे में राय के एक अड़बड़ उम्दा फिल्म लिखना और वो फिल्म ला लिख के राइटर साहब बहुत अच्छा से मतलब पोर्ट्रे करीस करेक्टर ला, हम उम्र आसान है पिक्चर लिखना, लव स्टोरी बड़े आसान है कि आप मतलब स्टोरी हर किसी के लाइफ में लव स्टोरी ये सब चला थे, पर एक उम्दा पारिवारिक कॉमेडी फुल ड्रामा लिखना ये बहुत बड़े मुश्किल की बात है, क्योंकि मामा आप मतलब अपना पिताजी ला भी दिखाना है, आप मतलब अपना मतलब चाचा भतीजा टाइप के फूफा जी टाइप के रिलेशन ला दिखाना है, और 18-22 साल के नवा लड़का जो नवा नवा प्यार में पड़े टूरिल देख के आगे एकदम अब लगे काफी चपी लो का जिक्र, तो वो सब चीज़ ला समझना और पकड़ना ये एक राइटर के उम्दा काम है, और अभी तक ऐसे कोई राइटर आए नहीं है, सब जन टूरिल देखा थे प्यार हो गए ओकर काका फरसल एक दौड़ीस हीरो आके अपन नस्ल कटा लीस हाँ टूरी जीत गए ऐसा चला था माहौल, एक कुछ उम्दा है। अब जब कोई राइटर ओला लिख देते तो डायरेक्टर साहब के जो विजन रही थे कि अब यार तैं लिख तो दे सब मेरा एमा अब मेरा कैमरा के सामने दिखाना है बोला, तो ओला कैमरा के सामने दिखाए पर बड़े उम्दा कलाकार की जरूरत पड़ते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो बहुत लकी हन कि हमारे पास अनिकृति चौहान मैम बैठे है और हीरोइन लॉक होगी, इसमें तो रात की नींद उड़ गई इसे, क्योंकि मैं तो नवा नवा आर्टिस्ट मुला नहीं पता रही थी कि खर साहब पिक्चर करने का मौका मिला था। अच्छा हंसी खुशी जिंदगी बिताए पर अच्छा हंसी खुशी माहौल में रहना अड़बड़ जरूरी है, और अच्छा हंसी खुशी माहौल बनाए पर अच्छा अच्छा चीज़ देखना अड़बड़ जरूरी है। जिंदगी में कोनो आदमी के टेंशन के कमी नहीं है पर हे करके हंसना ना अड़बड़ जरूरी है, तो ये ला देखे पर ना 24 नवंबर अगले महीना नोनी के अनहोनी अड़बड़ कॉमेडी पिक्चर, वो मैं एक ठन आदमी कुआं में बैठ के बोला था एक लड़की जिंदा सांप खाती है ओ आज मौसम, ये सब चीज़ ला ना पर्दा में दिखाए पर और सब दुनियादारी भूल के हंसे पर आप लाइव पिक्चर देखना अड़बड़ जरूरी है, और मेन चीज पिक्चर के वो पिक्चर के एंडिंग में छुपे, बाकी नोनी है कुछ बताइए सब कुछ इस तरह बोल डाले है आप मन समझ गए हो 24 नवंबर के नोनी के नोनी देखना है। लेकिन एक अपील करूँ जत का जन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए, आप मन से अपील है कि दूसर ला जाके बस एंडिंग ला साझा जन करूँ जाके, बल्कि बोलूँ कि एक बार जाओ और पिक्चर ला देखो काबर के एंडिंग में
मैं धमाल मचाए हूँ तो आप मन सभी ले प्लीज जाऊ मया दुलार एकदम झारा झारा भर के अमन ला मया दुलार दू पिक्चर ला जरूर देखो। आशा करते हैं कि आप मन जो मूवी आवत नोनी के नोनी पिक्चर ये भी सुपर डुपर हिट हो, आप दोनों जन ला ऑल द बेस्ट देना चाहबो। धन्यवाद, समय दे खाली भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आप मन के धन्यवाद। तो संगवारी हुए तरी हमारे साथ नोनी के नोनी पिक्चर के एक्टर और एक्ट्रेस जिकर पिक्चर आवत नोनी के नोनी 24 नवंबर के, तो आप अपन नज़दीकी सिनेमाघर में जाके देख सकत हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।